बच्चों नमस्कार। आज हम आपको कक्षा छठवीं में द्वितीय पाठ का हिंदी अनुवाद समझाने जा रहे हैं। आप ध्यान से सुने। इसका शीर्षक है कर्त क्रिया संबंध। कर्त माने कर्ता, काम करने वाला, और क्रिया जो काम किया जाए, तो काम करने वाले और क्या काम कर रहे हैं वो, उसमें संबंध। जैसे बालक पढ़ता है, बालक क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। बालक हुआ कर्ता और क्रिया क्या हुई, पढ़ना। इसी प्रकार हाथी जाता है, कर्ता कौन है, हाथी। गज जाना गच्छ, गच्छति क्रिया जाना। तो कर्ता को काम करने वाले होते हैं वो कर्ता कहलाते हैं। पुल्लिंग में कर्ता है, स्त्रीलिंग में कर्ता है, नपुंसकलिंग में कर्ता है। पुल्लिंग में कर्ता यही बालक है, नर है, हाथी है, घोड़ा है, मोर है, ये सारे पुल्लिंग में कर्ता है। क्रियायाम धातु जाना, खाना, पीना, सोना, उठना, ये आपकी क्रियाएं हैं। तो इसमें ध्यान ये रखना है केवल आपको, जैसे बालक तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो बालक को एक वचन में बालका, द्विवचन में बालकौ और बहुवचन में बालका है। तो बालका, बालकौ, बालका है। इसी प्रकार अश्व माने घोड़ा, अश्व, अश्व, अश्वा। इसी प्रकार मोर, मयूरा, मोर माने मोर। जो जंगल में देखे, सुना होगा आपने, देखा होगा, तो एक मोर को मयूरा, मयूरव, दो मोर मयूरा, मयूरा, मयूरव, मयूरा। ऐसे सैनिक, एक सैनिक को सैनिका, सैनिकौ, सैनिका। हाथी गज, गजौ, गजा। आदमी नर, नर, नरौ, नरा। छात्र छात्रा, छात्रौ, छात्रा। एक छात्र को छात्रा, दो छात्र को छात्रौ, और बहुत सारे छात्रों को छात्रा बोलेंगे। अब आपका इसी प्रकार क्रिया है, आपको ती ता अंति जोड़ना है। एक वचन में ती, द्विवचन में ता, और बहुवचन में अंति। ये आपको धातु पठ माने पढ़ना मान लीजिए, पठ। तो पठ एक वचन में पठती, पठती। द्विवचन में पठता, पठता, और बहुवचन में पठन्ति। ऐसे ही गच्छ जाना, गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति। ऐसे ही व्यव, व्यवति, व्यवता, व्यवन्ति। व्यव, व्यवति, व्यवता, व्यवन्ति। पश्य माने देखना, पश्यति, पश्यता, पश्यन्ति। रक्ष, रक्षति, रक्षता, रक्षन्ति। तो एक वचन में ति, द्विवचन में ता, और बहुवचन में अन्ति आपको लगाना है। अब हम देखेंगे, जैसे मान लो ये लिखा है बालका पठती, इसका मतलब है बालका एक बालक, और ती पठती पढ़ता है, एक बालक पढ़ता है। ये दो बालक, बालको पढ़ता, दो बालक पढ़ते हैं। बालका पठती, बहुत सारे बालक पढ़ते हैं। अश्व धावता, एक घोड़ा दौड़ता है, अश्व धावता, दो घोड़े दौड़ते हैं। अश्वाय धावती, बहुत सारे घोड़े दौड़ते हैं। मयूर, मोर, मयूरा नृत्य, एक मोर नाचता है। मयूरव नृत्यता, दो मोर नाचते हैं। और मयूरा नृत्य, बहुत सारे मोर नाचते हैं। सैनिक, सैनिक, एक सैनिक, सैनिक रक्षक, एक सैनिक रक्षा करता है। सैनिकौ रक्षता, दो सैनिक रक्षा करते हैं, और सैनिका है रक्षन्ति, बहुत सारे सैनिक रक्षा करते हैं। गज गच्छति, गज माने हाथी, एक हाथी जाता है। गजल गच्छता, दो हाथी जाते हैं। गजार गच्छति, बहुत सारे हाथी जाते हैं। नर प्रवृत्ति, नर माने आदमी, एक आदमी पीता है। नर प्रवृत्ता, दो आदमी पीते हैं। नरा प्रवृत्ति, बहुत सारे नर पीते हैं। छात्र पीड़ति, एक छात्र, 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 एक छात्र को छात्र, दो छात्र को छात्र, और बहुत सारे छात्रों को छात्रा। तो छात्र पिबति, एक छात्र पीता है।
छात्रौ देवता दो छात्र पीते हैं और छात्रा पीवंती बहुत सारे छात्र पीते हैं और छात्रा क्रीडती एक छात्र खेलता है छात्रौ क्रीडता दो छात्र खेलते हैं और छात्रा क्रीडती बहुत सारे छात्र खेलते हैं। इस प्रकार आपको समझ में आया क्या तैयार करना है जी महत्वपूर्ण है। इसमें आपको अकारांत पुल्लिंग अकारांत से मतलब हमने आपको पिछले वीडियो में समझाया था जिसके अंत में जे का के बाद का आ आल कर लो बने ऐसे सभी अकारांत कहलाएंगे। बाल का हो अश्वा हो मयूरा हो ये सारे जीव अकारांत कहलाएंगे। ठीक है कैसे रूप चलते एक वचन द्विवचन बहुवचन में जैसे पुल्लिंग के जैसे बालक है बालका बालकहु बालका जय क्रम चलेगा बालका बालकहु बालका बालका एक वचन बालकहु द्विवचन और बालका है बहुवचन ऐसे नरा नरहु नरा छात्रा छात्रौ छात्राय गजा गजौ गजाय अश्व अश्वौ अश्वाय। इस प्रकार सारे पुल्लिंग जो भी पुल्लिंग है वे ऐसे चलेंगे बालका बालकौ बालका गजा गजौ गजा अश्व अश्व अश्वा। ठीक है अजा अजा माने बकरा अजा अजौ अजा सारे पुल्लिंग इसी प्रकार की क्रिया क्रिया जो आपको तीता अंति जे आपको इनमें जुड़ेगा लास्ट में तो एक वचन में ती जुड़ेगा द्विवचन में तह जुड़ेगा और बहुवचन में अंति जुड़ेगा तीता अंति माने गच्छ माने जाना। तो एक वचन में से बालक जाता है बालका गच्छति ठीक हो बालका गच्छति बाल बालकौ गच्छता बालका गच्छति। इसी प्रकार कोई भी बता दो आप घर का उधर उधर का उधर जैसे मान बालक यहाँ बालका पश्चिम एक बालक देखता है बालका एक बार और ती लगेगा इसमें क्रिया का ती बालक बालक पश्चिम बालका पश्चिम। अब दो बालकों के लिए ताह जुड़ेगा बालकौ होगा पश्चता और बहुत सारे बालक बालका पश्चिम की होगा। जे हमने आपको धातु जो धातु रूप है उसके हमने आपको मीनिंग लिख दिए हैं जैसे पठ माने पढ़ना धाव माने दौड़ना दक्ष माने रक्षा करना पश्च माने देखना नृत्य माने नाचना गच्छ माने जाना पिव माने पीना और किड़ माने खेलना। जे आपको याद कर लेना है और इनके अनुवाद अपने मन से लिखना सीखना है अपने मन से माने जैसे मान लीजिए तीन लाइन है यहाँ एक वचन वाली है द्विवचन वाली है बहुवचन वाली है यहाँ एक बालक पढ़ता है दो बालक पढ़ते हैं बहुत सारे बालक पढ़ते हैं एक घोड़ा दौड़ता है दो घोड़े दौड़ते हैं बहुत सारे घोड़े दौड़ते हैं एक मोर नाचता है दो मोर नाचते हैं बहुत सारे मोर नाचते हैं एक सैनिक रक्षा करता है दो सैनिक रक्षा करते हैं बहुत सारे सैनिक रक्षा करते हैं एक हाथी जाता है दो हाथी जाते हैं बहुत सारे हाथी जाते हैं एक आदमी पीता है दो आदमी पीते हैं बहुत सारे आदमी पीते हैं एक छात्र खेलता है दो छात्र खेलते हैं बहुत सारे छात्र खेलते हैं एक बालक खेलता है दो बालक देखते हैं बहुत सारे बालक देखते हैं। तो लिखना कोशिश करें आप कि लिखना सीखें बार बार वीडियो सुने आप और लिखना स्वयं सीखें। धन्यवाद।